गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ स्टेंसिल, यानी स्टेंसिल किस तरीके से कटिंग करते हैं हम वो दिखाने जा रहे हैं। जैसे देखो, एक ही स्टेंसिल से यानी एक मास्टरपीस से कैसे हम 100 पीस निकालें, ठीक वही उसी को हम दिखाने जा रहा हूँ। जैसे पहले सबसे पहले मैं ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद कटिंग करेंगे, वो कटिंग करने मतलब किस तरीके से कटिंग करना है और कहाँ कहाँ मतलब वो जगह सोरने हैं, तो मतलब सोर के हम कैसे कटिंग करेंगे वो दिखाने जा रहा हूँ। तो वही 100 पीस मतलब एक पीस से यानी मास्टर पीस से हम 100 पीस सेम टू सेम निकाल सकते हैं कहीं, उसी को हम प्रिंट मतलब प्रिंट मेकिंग भी कहता हूँ। जैसे प्रिंट मेकिंग सपा कला, वो सपा कला भी कहता हूँ। जैसे देखो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे ड्राइंग सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद हम कटिंग करेंगे। जैसे देखो आप मैं बनाऊंगा, इसमें डबल लाइन होगा, जो भी बनाएंगे हम डबल लाइन ही होगा तो भी कटिंग के लिए आसान होगा। आप देखिए ये देखो, अब फिर यहां से डबल लाइन, ये देखिए अब इसी तरह से डबल हम लाइन खींचेंगे। अब फिर मुझे ब्लॉक मतलब काटने के लिए वो कहाँ सोना पड़ेगा उसी को दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये जहाँ लाइन खींचे मैंने, ये लाइन को मतलब ये कटिंग करके निकलना है और ये सोना है। जैसे यहाँ भी एक डालना है मुझे और यहाँ, तब जाके मुझे सही रहेंगे। और फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, और फिर मैं यहाँ और यहाँ, तब यहाँ इसका सीधे यहाँ, फिर ये जो मतलब लाइन डाले मैंने इसमें कटिंग करके निकालना है साइड वाला, और बाकी जो अंदर है ये बीच में रखना है। और फिर एक सीस यहाँ बनाएंगे हम, इसके बराबर रखना। ये भी डबल लाइन, क्योंकि सिंगल लाइन में कटिंग करेंगे तो फिर वो निकलेगा नहीं, इसलिए डबल लाइन से दिखाना होगा। जो ये कटिंग करने के बाद हम जो चिपकाएंगे उसी को हम सापा कला यानी प्रिंट मेकिंग कहता हूँ, आर्ट की भाषा में सापा कला यानी प्रिंट मेकिंग ये है। अब देखो मैंने ये जो सारा मतलब ब्लॉक ये बना लिया ड्राइंग बनाने के बाद, फिर मैंने ये लाइन भी दिए, और लाइन देने के बाद में ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तो कटिंग करके निकल देंगे, और ये जो लाइन डाले इसके बीच में हम ये सोड़ना होगा इसको। अब देखो कटिंग करने जा रहा हूँ अभी, ये कटिंग करके यहाँ निकालना है मुझे। सबसे पहले मैंने देखो कहाँ से इस जगह पे कटिंग करूँगा मैं, यहाँ तक, और यहाँ से लेके ऐसे, और फिर यहाँ, फिर यहाँ कटिंग करना है डायरेक्ट यहाँ तक। तो इसी तरीके से आसान है, इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस का जरूरत होता है हाथ। जैसे मैंने फ्री हैंड कैसे बिना स्केल मतलब विदाउट स्केल कैसे बनाया मैंने, ठीक है, और कोई इरेज भी नहीं किया मैंने, डायरेक्ट पेंसिल उठा काम किया। तो उसी तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस करेंगे यानी स्टडी करेंगे तभी जाके आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ये।
देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। तो जो लाइन डाले हुए मैं लाइन के ऊपर से कटिंग कर रहा हूँ मैं, तब फिर इसको निकल सकता हूँ मैं। निकालने के बाद फिर मैं क्या करेंगे, इसमें ब्लॉक में कलर डालेंगे, यहाँ तक भी करना है। फिर मैं ये कटिंग करेंगे तब निकलेगा ये। ये हो गया मास्टरपीस, मतलब हो जाएंगे कटिंग करने के बाद जो निकालेंगे हम मास्टरपीस हो गया मेरा। जैसे ये निकालना है अभी, ये वाला निकाले मैंने, और फिर यहाँ से ये पीस निकाला है, और फिर यहाँ देखिए अब ये निकाल रहे, मेरा तैयारी हाल हो रहा है। तो सेम प्रोसेस है, मतलब जो ग्लास है उसको भी कटिंग करके निकलना है मेरा, और जितना भी कुछ भी बना आप सेम है, इसी पद्धति से काट सकते हैं आप। देखो ये कटिंग निकाल लिया मैंने सारे, अब फिर इसी के ऊपर कलर लगाना है मुझे, अब फिर ग्लास भी कटिंग करना है यहाँ से लेके डायरेक्ट। ये देखो मैंने कटिंग किया है, ये पीस हो गया अब मास्टर पीस मेरा। जैसे इसी तरह से आपको भी फॉलो करना है, मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम इस तरीके से ही कटिंग करना है आपको भी। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, अब फिर जाके मैं ये कलर मतलब प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। जैसे सपा कलर देखिए मैं अभी कलर लगाऊंगा इसमें इस तरीके से, बहुत फास्ट हो जाते हैं ये। और 100 पीस कैसे निकले हम, इसी तरीके से हम निकल सकते हैं 100 पीस। एक बार कलर लगाए देखो, कंटिन्यू जा रहा हूँ मैं, और फिर कलर लगाएंगे, फिर कंटिन्यू इस तरीके से हम जाएंगे। ये देखो मैं लगा दिए, यानी सापा कला हो गया ये तैयारी। तो आप फिर इसको उठाएंगे मैं किस तरीके से देखेंगे आप, देखिए ये हो गया फ्रेंड मेकिंग। यानी देखो इसी तरह से 100 पीस हम निकाल सकता हूँ, देखिए सेम टू सेम 100 पीस इसी तरीके से निकाल सकता हूँ।